एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। वे बड़े अतिथि भक्त थे। नित्य प्रति जो भी पथिक उनकी कुटिया के सामने से गुजरता था, वे उसे रोककर भोजन दिया करते थे और उसकी सेवा भी करते थे। एक दिन पथिक की प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई, परंतु उन्हें कोई अतिथि ना मिला। उस दिन नियम टूट जाने की आशंका से वे व्याकुल होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक 100 साल का वृद्ध व्यक्ति थका हारा चला आ रहा था। महात्मा जी ने उसे रोककर उसके पैर धुलाए और भोजन परोसा। वह व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए और धन्यवाद दिए भोजन करने लग गया। यह देखकर महात्मा जी आश्चर्यचकित होकर के बोले, आपने भगवान को भोग नहीं लगाया। वह व्यक्ति बोला, मैं भगवान को नहीं मानता। महात्मा जी उसके यह बात सुनकर बड़े क्रुद्ध हुए और उसके सामने से भोजन की थाली खींच ली। बिना यह सोचे कि रात में वह इस जंगल में कहां जाएगा, उन्होंने उसे कुटी से बाहर कर दिया। उस रात महात्मा जी को भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। वे उनसे बोले, तुमने उस वृद्ध व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया, उसने तुम्हारे अतिथि सत्कार के सारे पुण्य को छीन कर दिया है। महात्मा बोले, प्रभु मैंने तो उसे इसलिए निकाला क्योंकि उसने आपका अपमान किया था। प्रभु बोले, ठीक है, वह मेरा नित्य अपमान करता है, परंतु मैंने तब भी उसे 100 वर्ष तक भोजन कराया है, तुम उसको एक रात न करा सके। भगवान की बातें सुनकर महात्मा जी की आंखें खुल गई और वे बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करने लगे। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।